हेलो दोस्तों, कुछ टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स ने कहा कि सर जो बायो का एक चैप्टर भी हमने किया है लाइफ प्रोसेसेस का, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला गया। तो अब मैं थोड़ा सा बैलेंस करने की भी कोशिश करूँगा। वो NTSC के लिए हालांकि ज़रूरी भी है, लेकिन फिर भी सबसे पहला टारगेट तो आपका CBSE ICSE जो भी है वो बोर्ड है, क्योंकि उसको आप क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, तभी आप आगे जा पाएंगे। तो एक बिल्कुल आसान सा चैप्टर 2 और 3 मार्क्स का ही आता है, उसको पक्का कर लेते हैं। देखो, आसान चैप्टर्स को आपको सबसे पहले याद करके एक तरफ रखना चाहिए, क्योंकि वो मार्क्स आपके सिक्योर होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप मुश्किल चैप्टर तैयार करते हैं, उसमें पूरा दिन लग जाता है, 2-3 दिन लग जाते हैं, और फिर भी गारंटी नहीं होती आपके मार्क्स कितने आए। आसान चैप्टर की खास बात ये होती है वो जल्दी तैयार होता है और वो आपको पूरे नंबर दिला सकता है। तो ऐसा ही चैप्टर है जिसके लिए केवल आपके 1 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी। 1 आवर स्टडी से आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं और पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट। बहुत सी जनरल सी बातें जो डेली लाइफ में हम देखते हैं वो इसमें इंक्लूड होंगी। सबसे पहले अब बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल की बजाय सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम उन्हीं क्वेश्चंस और उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो बार बार CBSE एग्जामिनेशंस में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, या जिनके पूछे जाने की संभावना है, होती है, हमेशा आते रहते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें बनता है वेस्ट का, या पोल्यूटेंट्स कह सकते हो। तो वेस्ट्स क्या है? जो भी लेफ्ट ओवर मटेरियल्स होते हैं, जो बच जाते हैं, उनको वेस्ट कहते हैं। अब ये जनरल सी बातें हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, फिक्स ही बातें हैं, सीधी आपको आसान सी बात है, सीधी याद करनी है, एग्ज़ाम में आएगा, सीधी लिख के आनी है बस, ज़्यादा। तो ये क्या कहेंगे हम? द लेफ्ट ओवर मटेरियल्स, जो लेफ्ट ओवर मटेरियल्स हैं वही क्या कहलाते हैं? वेस्ट कहलाते हैं। अब इन वेस्ट की कैटेगरी बनाई हुई है, डिवाइड किया हुआ है कि ये कितने टाइप के हैं। तो ये जो वेस्ट्स हैं ये 3 टाइप के हैं। इनकी स्टेट के बेसिस के ऊपर किया हुआ है, जैसे गैसियस वेस्ट हो सकते हैं जो गैस फॉर्म में होंगे, या लिक्विड वेस्ट हो सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, या फिर सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होंगे। गैसियस वेस्ट जैसे आप हर रोज़ देखते हैं, एग्जांपल यही लिख देते हैं अलग अलग लाइनें बनाने की बजाय। गैसियस वेस्ट जैसे जो व्हीकल्स होते हैं, आपके पास बाइक है, स्कूटर है, कार है, ट्रक्स हैं, बसेज हैं, जितने यानी कि ऑटोमोबाइल्स हैं, ये जो धुआं छोड़ती हैं वो क्या है? वो गैसियस वेस्ट हैं। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ये क्या है? गैसियस वेस्ट है। इसके अलावा धुआं जो होता है स्मोक, ये क्या है? गैसियस वेस्ट है। लिक्विड वेस्ट है, जैसे कि इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर लिक्विड होते हैं, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्रीज करती हैं वो है, या फिर जो सीवेज होता है, जो सीवरेज हिंदी में जिसको कहते हो, तो वो भी क्या है? लिक्विड वेस्ट है। सॉलिड वेस्ट हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट हैं, या मतलब जो फूड है जो बच जाता है, जो वेस्ट है, तो फूड वेस्ट। इसके अलावा जैसे कि कैटल डंग, ये भी क्या है? सॉलिड वेस्ट है। तो इस तरह के और भी हो सकते हैं, इनका आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एटसेट्रा। तो वेस्ट की 3 कैटेगरी हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ये हमने किया। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये टूट सकते हैं या नहीं टूट सकते हैं। कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फंगस है या बैक्टीरिया है, वो उनको तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद जो उनके पार्ट्स बचते हैं ना, वो नुकसानदायक नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते, वो हार्मलेस होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो टूट जाते हैं हार्मलेस सब्सटेंसेस में, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो यानी कि वेस्ट की 2 कैटेगरी अब हम फिर करने जा रहे हैं। जो टूट जाते हैं वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं टूटते वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल।
बायो मीन्स क्या है, ऑर्गेन यानी कि लाइफ या ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिग्रेड का मतलब तोड़ना, तो जिनको बायोज यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल, जिनको नहीं तोड़ सकते हो क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 1 or 2 marks में, तो इसको लिखना ही मुनासिब रहेगा, लिख देते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। कौन से वेस्ट हैं जो टूट सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, किस में, हार्मलेस सब्सटेंसेस में, द वेस्ट्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन, जो टूट जाते हैं किसमें, ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऐसा होता है। कौन कौन से हैं, जैसे कि फंगस है ये तोड़ सकता है, या बैक्टीरिया है ये तोड़ सकते हैं। अब इनमें ऐसी क्या खास बात है कि ये तोड़ देते हैं, होता क्या है कि फंगस बैक्टीरिया इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो जो एंजाइम्स है ना, एंजाइम क्या है, प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, थोड़ा और डिटेल से आप बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो वो एंजाइम्स जो हैं वो इनको तोड़ देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, यानी कि एंजाइम्स प्रेजेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, इनको डिग्रेड करते हैं, डिग्रेड देम। अब कौन सा किसको तोड़ता है, तो देखो ये जो है ना, जो टूटने से पहले, तो टूटने से पहले इसके अंदर की बात डिटेल से, ऑर्गेनिक होता है, और ऑर्गेनिक क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं शुरू में, और तोड़ के इनसे क्या बनते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो इस सिंपल में लिख रहा हूं। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो हम कह रहे हैं ना कि ये टूट जाएंगे, तो कौन टूट जाएगा, पहले होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इसको तोड़ के क्या बनाएंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन कंटेनिंग होते, जिनमें कार्बन होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको तोड़ के और सिंपल बना देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि जितने भी डोमेस्टिक वेस्ट हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, या सीवेज है बायोडिग्रेडेबल है। दूसरे टाइप के वेस्ट कौन से हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये कौन से हैं, जो नहीं टूट सकते हैं वो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितना भी जोर लगा लें इनको तोड़ नहीं पाएंगे, किसमें, हार्मलेस सब्सटेंसेस में, एंजाइम्स ये लिखा हुआ ना हमने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किसमें, और आगे लिखना चाहो तो इनटू हार्मलेस, जिनसे कोई नुकसान ना हो, इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। तो बायोडिग्रेडेबल वो हैं जो हार्मलेस में टूट जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, अब ये पूरी लाइन में नहीं लिखूंगा, आप अपने आप लिख सकते हो, द वेस्ट विच कैनोट बी ब्रोकन डाउन इंटू हार्मलेस सब्सटेंसेस बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या है, ये नहीं टूटे किन से, माइक्रो ऑर्गेनिजम से, कैनोट बी ब्रोकन डाउन इंटू हार्मलेस सब्सटेंसेस बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना आजकल हम प्लास्टिक का, प्लास्टिक के आइटम्स नहीं टूटते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट्स हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ऐसे पूछ लेते हैं आपसे, अब यहीं से दूसरा पूछते हैं कि भाई डिफरेंस करो,
टू या थ्री मार्क्स में, यही यानी कि यही बातें थोड़ा सा और पॉइंटर्स में आपसे लिखवा सकता है, तो वो पैटर्न भी हम कर लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपसे टू या थ्री मार्क्स में पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। तो देखो, पहला तो वही है जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। बायोडिग्रेडेबल क्या है? जो टूट जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, किसमें? हार्मलेस सब्सटेंसेस में। तो फर्स्ट तो वही आपने लिखना पड़ेगा, दे कैन बी ब्रोकन डाउन, ये टूट सकते हैं इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। ये आपके नोट्स भी हैं, साथ साथ आप करें तो एज इट इज ही, इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये नहीं टूटते हैं, दे आर नॉट ब्रोकन डाउन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो इनको डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन ये उनसे नहीं तोड़े जाते हैं। दूसरा, ये जो तोड़ दिए जाते हैं, इसके पीछे सबसे मुख्य कारण ये है कि ये जो ओरिजिन है यानी कि जिसे बने हुए हैं वो बायोलॉजिकल है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इनके ऊपर जोर चल जाता है और वो टूट जाते हैं। लेकिन ये मैन मेड होते हैं, आदमी तो बहुत चालाक है, पता नहीं क्या क्या बनाता है, तो वो ये मैन मेड है, ये फैक्ट्रीज वगैरह में बनते हैं ज़्यादातर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिर ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। तो इनका जो ओरिजिन है हम लिखेंगे, दे आर बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। ये ओरिजिन में यानी कि बायोलॉजिकल रूप से बने हुए होते हैं, जबकि ये क्या हैं? दे आर मैन मेड, ये आदमी के बनाए हुए होते हैं। इसके अलावा अगली बात इसके बारे में, एक तो एग्जांपल तो ध्यान आपने रखने ही रखने हैं, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि देखो, एक होता है, अभी आगे आएगा एक टॉपिक, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। उसका मतलब ये है कि जो फूड चेन होती है ना, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, जैसे बकरी घास खाती है, बकरी को शेर खाता है, तो इसको फूड चेन कहते हैं। तो जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो ख़तरनाक केमिकल्स हैं, वो क्या होते हैं? हर लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम, उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो वो इनमें नहीं होता है, जबकि इनमें होता है, यानी कि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, जैसे ग्रास है, फिर गोट है, फिर लोयन है, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि इनमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन नहीं होता, इनमें होता है। तो हम लिखेंगे, दे आर नॉट बायोलॉजिकली मैग्निफाइड, बायोलॉजिकली मैग्निफाइड ये नहीं होते हैं, ये होते हैं, दे आर बायोलॉजिकली मैग्निफाइड, यानी कि इनमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है। अब देखो, जो लास्ट पॉइंट हम करने जा रहे हैं वो हैं इसके एग्जांपल, और यहीं से दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बहुत बार पूछते हैं वन मार्क में, आपको क्या करेंगे, 7-8 सब्सटेंसेस के नाम दे देंगे और कहेंगे भाई इनमें से आप चूज़ कीजिए कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसके एग्जांपल जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट जितने भी हैं वो क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल। इसके अलावा जो सीवेज है बायोडिग्रेडेबल है, कैटल लिख दें, या क्वेश्चन में आपको कुछ भी लिख के दे सकता है, काउडंग क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। यूरिन है, बायोडिग्रेडेबल है। क्लोथ जो कपड़े हैं बायोडिग्रेडेबल हैं। लकड़ी जो होती है वुड, बायोडिग्रेडेबल है, एट्सेट्रा।
तो जैसे कि इनमें से चूज़ करवा लेंगे आपसे और भी एक आधे नाम, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा, बाकी ज़्यादातर इनमें से कवर हो जाते हैं। आप जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो आपको कह देगा जैसे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसी तरह डिटर्जेंट हैं, क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो भी नहीं टूटते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे मरकरी है ये नहीं टूटता है, एल्यूमिनियम है नहीं टूटेगा, आर्सनिक है, आर्सनिक क्या है, ये भी एक मेटल है नहीं टूटेगा। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे कि लेड है, शीशा जो होता है, नहीं टूटेगा। इसके अलावा जितने इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं जो फसलों में या वेजिटेबल्स में हम छिड़काव कर देते हैं, वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। यानी कि पेस्टिसाइड्स, खरपतवार को ख़त्म करने के लिए जो छिड़कते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इंसेक्टिसाइड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे वेस्ट हैं जो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, ये भी बोर्ड के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम है जिसमें एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम स्टडी करते हैं किसको, एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स को। और वो दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे कौन से होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम के दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मींस लिविंग, जो लिविंग हैं वो बायोटिक हैं, और जो नॉन लिविंग जैसे रेनफॉल है, ठीक है, ये दूसरी चीज़ें ऐसी ऐसी या मेट्रोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एबायोटिक में आएंगे। हमेशा आपको याद रखना है कि इनमें हमेशा एक रिलेशन होगा, यानी कि बायोटिक का और एबायोटिक का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, बायोटिक को ज़रूरत पड़ेगी एबायोटिक फैक्टर्स की। जैसे आप लिविंग बींग हैं, लेकिन जो आप खाना आप खाते हो वो लिविंग थोड़ी है, वो नॉन लिविंग है, या फिर रेन की हमें ज़रूरत पड़ती है। यानी कि बात ये होगी कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो इकोसिस्टम में, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे की उनकी ज़रूरत पड़ेगी। यही बातें अब हम आगे इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले हैं ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल थर्ड फोर्थ क्लास की बातें हैं, बिल्कुल आसान से ही। यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं यानी कि ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी हमने कौन कौन सी कैटेगरीज की हुई है। तो उनकी कैटेगरीज हैं, सबसे पहली है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन हैं, जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन से हैं ऐसे, ग्रीन प्लांट्स। दूसरे कौन से हैं, कंज्यूमर्स, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, कहाँ से ले लेंगे, प्रोड्यूसर से या दूसरे एनिमल से भी लेंगे। और तीसरे हैं डिकम्पोजर्स, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एक ना एक दिन जरूर मरेंगे, मरेंगे और वो सारे अपनी अर्थ के ऊपर इकट्ठे होते रहें तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो उनको डिकम्पोज करने के लिए कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स। कैटल डंग है, गोबर कहीं पे पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक महीने बाद देखेंगे तो वो ऐसा ही मिलेगा, वो बिल्कुल रेत जैसा, मिट्टी जैसा हो जाता है। कौन करता है ये काम, डिकम्पोजर्स। तो ऐसे ही चाहे वो रिवर का वाटर है या दूसरी चीज़ें, उनका यही काम होता है, वो डिकम्पोज करके तोड़ के उसको ठीक कर देते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या हैं, ये तो मैं यही लिख देता हूँ, ये भी यही लिख देता हूँ, एक एक लाइन हिन के। तो कंज्यूमर्स को थोड़ी सी दो तीन लाइनों में अलग से लिखेंगे। तो प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। कौन है, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हैं जैसे, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे हैं जैसे,
ब्लू ग्रीन एल्गे, तो ये प्रोड्यूसर्स हैं। डिकम्पोजर्स कौन से हैं जो इनको डिकम्पोज करते हैं, तोड़ देते हैं, विच डिकम्पोज, जो तोड़ देते हैं किसको, डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो इनके मरने के बाद जब गल सड़ जाते हैं उनको ये तोड़ देते हैं, विच डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो वो क्या हैं, डिकम्पोजर्स हैं। अब जो कंज्यूमर्स हैं इनकी चार कैटेगरी बनाई हुई हैं, इनमें सबसे पहले ये थर्ड फोर्थ क्लास में आ लेते हैं, हर्बीवोर्स जो केवल प्लांट या उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स। तो ये जो कंज्यूमर्स हैं अब इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर्स के कितनी टाइप हैं, ये कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहली टाइप कौन सी है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होंगे, जो किस चीज़ का सेवन करेंगे, क्या खाएंगे, या तो प्लांट्स या उनके प्रोडक्ट्स, यानी कि दे ईट प्लांट और, या तो प्लांट या फिर इसके प्रोडक्ट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, उनको कहेंगे हर्बीवोर्स। जैसे बहुत से हैं, जैसे काऊ है, हिरन होता है डियर, खरगोश है रैबिट, आदमी भी हो सकता है। तो जैसे ये एग्जांपल इसके, या ग्रास हॉपर है, बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, हमें सारे लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो लिख देते। दूसरा है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होता है, ये प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को नहीं खाएंगे, खाते ही नहीं उसको, क्या खाएंगे, दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, यानी कि मीट और फ्लैश, दे ईट मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स का मीट ही खाएंगे, ये प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लोयन है, कहते हैं ना शेर घास नहीं खाता, तो लोयन है, ये क्या है, कार्निवोर्स में आएगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। थर्ड कौन सा है, ओमनीवोर्स। ओमनी, ओमनी का मतलब होता है बोथ, बोथ का मतलब क्या, प्लांट या मीट या कुछ भी मिल जाओ वो सब कुछ खाते हैं, दे ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट और अदर एनिमल्स, ये लिख सकते हो आप। एग्जाम्पल जैसे है मैन, और मैन का सबसे पुराना दोस्त जिसको बार बार उसी के नाम की गालियां भी दी जाती हैं, कौन सा है प्राचीन सभ्यता से उसका दोस्त, डॉग। तो बड़े फेमस एग्जाम्पल हैं, और भी हो सकते हैं। लास्ट इसकी कैटेगरी है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं, परजीवी जिनको कहते हैं, यानी कि डिपेंड अपॉन, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है, डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर फूड। जैसे फॉर एग्जांपल, एक होती है जैसे अमरबेल, कस्कुटा भी जिसको बोल देते हैं, ये CUSCU, तो अमरबेल आपने देखा होगा, जैसे कि जो बेर के पेड़ होते हैं, दूसरे बहुत सारे पेड़ होते हैं, उनके ऊपर एक बेल सी फैल जाती है, उसको अमर बेल कहते हैं। वो क्या करती है, अपना सारा न्यूट्रिशन, सारा पोषण वहीं से लेती है जिस भी पेड़ के ऊपर वो पड़ जाती है। इसके अलावा जैसे लिक्स हैं, या टिक्स, जो जुएं और ये जो बालों में हो जाते हैं, ये भी क्या हैं, ये पैरासाइट्स हैं। या और भी बहुत सारे इसमें हो सकते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। तो मेन सी बिल्कुल आसान सी बात थी कि ये ऑर्गेनिजम्स, ये बायोटिक कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो इनके कितने टाइप, इनके ये टाइप हो सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ फूड चेन। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है फूड चेन। फूड चेन क्या है, फूड चेन का मतलब ये है, देखो कोई ना कोई जो ऑर्गेनिज्म है, जब भगवान ने उसको जन्म दिया है या नेचर ने जन्म दिया है, तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी चीज़ को तो खाएगा।
तो बैलेंस बनाने के लिए क्या है, चाहे भगवान का नाम है चाहे धर्म का नाम है, सभी ने अब अपने फिक्स कर रखे हैं कि कौन क्या खाएगा। अगर सभी एक ही चीज़ को खाने लगें तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि नेचर से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर सभी केवल वेजिटेरियन हो, नॉन वेज कोई ना खाए, तो ये जो जीव जंतु जितने हैं बहुत सारे बचे रह जाएंगे। या ये जितने जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, ये भी केवल पेड़ पौधों को खाने लगें तो सब पेड़ पौधों को ही खाएंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसे बैलेंस बना हुआ है कि सभी सभी चीज़ों को नहीं खाते, आप अपनी अलग अलग छांट रखी उन्होंने। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स की ऐसी सीरीज है जो हमें ये बताती है कि कौन किसको खाता है, इस सीरीज का नाम है फूड चेन। ये क्या है, इट इज, देखो कई बार क्या होता है एग्जाम में आपसे कहेंगे भाई लिखिए, डिफाइन कीजिए, हमें क्या होता है, हमें ये पता होता है फूड चेन है। हाँ, फूड चेन क्या है, कौन किसको खा गया, ये तो ये आपको शब्दों में बांधना भी आना चाहिए कि आप कैसे जवाब देंगे एग्जामिनर को, ये भी जरूरी है। आप लिखेंगे क्या, इट इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिजम्स की वो सीरीज है विच टेल्स अस, जो हमें ये बताती है, क्या बताएगी कि कौन किसको खाता है, टेल्स अस हु ईट्स हुम। ये तीन वर्ड जरूर आपको याद रखने हैं, हु ईट्स हुम। तो फूड चेन क्या है, ऑर्गेनिजम्स की वो सीरीज है जो बताती है कि कौन किसको खा जाता है। अब देखो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं फूड चेन में, इसलिए कई बार एग्जाम में ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि भाई कोई टू स्टेप की फूड चेन लिखिए, थ्री स्टेप्स की रखिए। अब इन स्टेप्स को क्या कहते हैं, हम इसका भी अलग से नाम रखेंगे कुछ साइंटिफिक। जैसे शुरू में ही मान लिया, मैं ये एग्जांपल लिखता हूँ, प्लांट्स थे और प्लांट्स को एलिफेंट खा गया, तो ये एक फूड चेन है। और इसमें कितने स्टेप हुए, केवल दो स्टेप हुए। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया प्लांट्स थे या ग्रास थी, प्लांट ही ये भी, ये किसने खा लिए, इनको हिरन ने खा लिया, डियर ने खा लिया, और हिरन को कौन खा गया, टाइगर खा गया, तो ये भी एक फूड चेन है। अब इसमें कितने स्टेप हैं, देखो एक दो तीन, इसके अंदर तीन स्टेप हैं। देखो एक और मान लिया, मैं ये कहता हूँ ग्रास था, ठीक है, ग्रास को क्या हुआ, ग्रास ऊपर खा गया, ठीक है, और ग्रास ऊपर को जैसे कि मैं कह दूँ स्नेक खा गया, और स्नेक को सपोज कैट खा गई, या और कुछ भी यहाँ लिख देता, तो ये भी एक फूड चेन है। कितने स्टेप हैं, एक दो तीन चार स्टेप जैसे इसके अंदर होगी। या ये देखो ये कहाँ के लिख रहे हैं हम, ये जैसे टेरेस्ट्रियल होगी, हम जमीन की बात करें, यही काम पानी के अंदर भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनको फाइटोप्लैंकटन्स भी बोल देते हैं, फाइटो मीन्स होता है प्लांट्स, प्लैंकटन क्या है, पानी के अंदर चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो पाए जाते हैं उनको प्लैंकटन्स बोल देते हैं। तो प्लांट्स हैं तो फाइटो प्लैंकटन्स, एनिमल्स हैं तो जू प्लैंकटन्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इनको कौन खा गए, जो छोटे छोटे पानी के अंदर थे एक्वेटिक एनिमल्स, उन्होंने खा लिया। इसको किसने खा लिया, स्मॉल फिश ने खा लिया, जैसे स्मॉल फिश को कौन खा गया, बड़ी मछली खा गई, बिग फिश। और भी बड़ी हो सकती है, लेकिन मान लिया ये बड़ी मछली मर गई तो इसको कौन खा जाएगा, जो भी डीकम्पोजर्स होंगे वो खा जाएंगे इसको। या दूसरे, क्योंकि डीकम्पोजर्स क्या है, टेरेस्ट्रियल में है तो पानी में भी होंगे, तो डीकम्पोजर का नाम लिखो, या सिंपली डीकम्पोजर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसमें कितने स्टेप हो गए, एक दो तीन चार पाँच, ये फाइव स्टेप की होगी। कई बार ये उलझ भी जाती हैं, जैसे कि मान लिया स्नेक था, तो स्नेक को कैट की बजाय हम दूसरी जगह लिख दें ईगल, बाज जो है वो ले गया, तो फिर ये आपस में नेटवर्किंग भी इनकी हो सकती है, जिसको फूड वेब कहा जाता है। फिर नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब।
अब देखो ये जो स्टेप्स हैं, ये एक नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये जो स्टेप्स हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। भाई एलिफेंट ने प्लांट्स क्यों खाए? ताकि इसको एनर्जी मिले, ये इसका फूड है। तो यानी कि इस स्टेप पे क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो प्लांट्स जो थे ये किसने खाए, डियर ने। यानी कि एनर्जी जो प्लांट्स की थी वो किसको मिल गई, अब इसने खा लिए तो डियर को मिल गई, तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। अब डियर को किसने खा लिया, टाइगर ने। तो इसकी जो एनर्जी थी अब किसने खा लिया, टाइगर ने, तो इसके पास पहुंच गई। तो एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ होगा, टाइगर के पास। तो ये पहला स्टेप, इनकी यहाँ आई ये ट्रांसफर हुई, इनकी यहाँ आई। ये जो अलग अलग स्टेप्स हैं ना, कहाँ पर, फूड चेन में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये स्टेप्स जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। मैं डिफाइन कर देता हूँ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल्स किनको कहेंगे, द स्टेप्स इन ए फूड चेन, किसी फूड चेन के अंदर वो स्टेप्स वेयर, जहाँ पर क्या होता है, वेयर ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी का, वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, जहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है उन स्टेप्स का नाम क्या है, उनका नाम है ट्रॉफिक लेवल। जैसे इसमें कितने हैं, एक दो, दो ट्रॉफिक लेवल हैं। इसमें कितने हैं, तीन हैं। इसमें कितने हैं, चार हैं। इस तरह से होता है, दे आर ट्रॉफिक लेवल्स।